हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल कुमार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 5i मोबाइल के बारे में। क्या रियलमी 5i मोबाइल लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो की पूरी से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और रियलमी 5i मोबाइल के बारे में कुछ हम 15 ऐसे मतलब सेटिंग के बारे में बात करेंगे जिससे आपको मोबाइल चलाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और मोबाइल आप समझिए कि मोबाइल नहीं, एक कंप्यूटर की तरह मोबाइल आपका चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिएगा। मान लीजिए कि आप अपने कॉल को जैसे रिसीव कर रहे हैं तो आपको केवल पॉकेट से निकाल कर अपने कान के पास अपने मोबाइल करने आपका फ़ोन रिसीव हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे सेटिंग के बारे में हम बात करेंगे, कैसे अपने मोबाइल को मतलब दो स्क्रीन में, मतलब एक ही स्क्रीन में दो ऐप्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही ढेर सारे सेटिंग के बारे में हम अपने वीडियो में इस बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस देखिए दोस्तों, मेरे पास जो मतलब मोबाइल का डब्बा है, देख लीजिए, यही है मेरे पास जो मोबाइल का मेरा डब्बा है रियलमी 5i का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको रियलमी के मोबाइल की प्राइस, कैसे रियलमी 5i यूज करें, कौन कौन से सेटिंग इसमें अगर हम इनेबल कर देते हैं तो हमको मोबाइल चलाना इजी हो जाएगा। तो देखिए, ये सब मेरा जो बॉक्स है रियलमी 5i का वो है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में, रियलमी जो मेरा 5i मोबाइल है, अब चलिए इसको थोड़ा सा हम इसका रिव्यू दिखा देते हैं। इसका हम अभी सेटिंग ओपन किए हुए हैं और इसका जो पावर बटन है ये है और जो वॉल्यूम बटन है साइड बाई दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दिया है सिम टूल किट, देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो सिम टूल किट है, इससे हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल को जो सिम कार्ड है, ट्रे कार्ड है, उसे हम निकाल सकते हैं और उसमें नया सिम लगाकर उसमें इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके सेटिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला सेटिंग है साइन इन टू अकाउंट और उसके नीचे है एयरप्लेन मोड। तो जो दोस्तों, इसमें बहुत सारे सेटिंग है जो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर यह फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड, अपने मोबाइल में आप फिंगरप्रिंट, फेस और पासवर्ड लगा के अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है स्मार्ट सर्विसेज। मान लीजिए कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर कोई और दूसरा काम कर रहे हैं, ड्राइविंग में बाइक ड्राइविंग या सिर्फ या फिर कोई और भी ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसे इनेबल करके अपना ड्राइविंग कर सकते हैं। जिससे अब आते हैं कन्वीनियंस टूल में, इसमें है यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू वेकअप गूगल असिस्टेंट। मान लीजिए आपको कोई चीज़ तुरंत खोल लेनी है, जैसे यहाँ पे पावर बटन है, इसको 0.5 सेकंड के लिए प्रेस किए रहेंगे तो मेरा जो गूगल असिस्टेंट है वो ओपन हो जाएगा। कोई भी उसमें हम काम कर सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे तो गूगल क्या करेगा, हमको वो रिप्लाई देगा। अब चलिए नेविगेशन बटन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेरा कीज है, यहाँ पे आपको शायद फ्रेश वीडियो में नहीं दिखाई पा रहा होगा। तो यहाँ पे जो 3 बटन होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बटन, जो सर्कल वाला बटन होता है, एक बैक बटन, ठीक है, वो है। तो स्वीप अप गेस्चर कैसे रहेगा, ऊपर की ओर खींचेंगे तब बैक हो गया, वर्चुअल कीज दिखाई देगा मोर, ठीक है। तो अपने कीबोर्ड में ऐसे लगा सकते हैं बैक करने के लिए। वैसे असिस्टिव टूल बॉल, देखिए यह तो डबल टैप किया जाएगा तो क्या होगा, जो मेरा मतलब होम, मतलब डबल टैप करने पर मेरा स्क्रीन जलेगा, ये हो गया। उसके बाद से साइड बार, स्मार्ट साइड बार, ये भी हो गया। देखिए कैसे जो मेरा मोबाइल होगा कैसे डिस्प्ले पे दिखाई देगा। अब आते हैं गेस्चर एंड मोशन में। गेस्चर एंड मोशन में देखिए, स्क्रीन ऑफ गेस्चर, स्मार्ट कॉल, रेज टू टर्न ऑन। मान लीजिए आपने पॉकेट से जैसे ही आप मोबाइल बाहर निकालिएगा, इस सेटिंग का मतलब होता है रेज टू टर्न ऑन स्क्रीन का। जैसे आप अपने मोबाइल से पॉकेट बाहर अपने पॉकेट से मोबाइल को बाहर निकालिएगा तो आपका स्क्रीन जलने लगेगा, ठीक है। एक बार मतलब उसमें लाइट आ जाएगा, स्क्रीन आपका जलने लगेगा और फिर पॉकेट में रखिएगा तो ऑफ हो जाएगा। यानी कि आप स्क्रीन को निकाल के और यहाँ पे जो पावर बटन है तो उसके प्रेस करके तब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही निकालते समय हमारा ऑन हो जाएगा। अब है यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीन शॉट, ठीक है, 3 फिंगर से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन ऑफ गेस्चर, चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन ऑफ गेस्चर से इसे सब मेरा सेटिंग ऑन है, तो बहुत ही आसान होता है हमें यूज़ करने में। स्क्रीन ऑफ गेस्चर यहाँ पे ऑन है। अब इधर डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, डबल टैप करेंगे तो मेरा स्क्रीन जलेगा। ड्रो ओ टू इनेबल कैमरा, भी से फ्लैश लाइट जलेगा और यहाँ पे म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए स्लाइड अप टू अनलॉक, ठीक है, अनलॉक करने के लिए। ड्रो W टू लॉन्च व्हाट्सअप, W से हम व्हाट्सअप ओपन कर सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में कुछ और आगे की सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पे कौन कौन आप ऐप्स को परमिशन दिया है इसे आप लगा सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं।
अब आता है लैंग्वेज, यहाँ पे चूज कर सकते हैं एडिशनल सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग आप लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, उसके बारे में हम थोड़ा लेट से बात करेंगे, लास्ट में वीडियो को लास्ट में बात करेंगे, तब तक दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। अब चलिए अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं, जो मेरा मोबाइल है वो 4 GB का रैम है और 64 GB का रोम है, 4/64 यानी हम बोल सकते हैं। यहाँ से आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिख रहा है 1, यहाँ पे न्यू सॉफ्टवेयर अपडेटिंग के लिए आया है। और यहाँ पर डिजिटल वेबलिंग है, पेरेंटल कंट्रोल्स, यहाँ पे आप पेरेंट्स हैं तो अपने मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं कि कौन, मतलब मेरा मोबाइल कितने देर क्या चीज़ में यूज हुआ है, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। अनलॉक 53, ये सब मतलब आप लगा सकते हैं कितने बार आपका मोबाइल कौन कितना यूज कर रहा है। तो चलिए जो सेटिंग था उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक है यहाँ पे स्प्लिट सेटिंग, ठीक है, स्प्लिट सेटिंग, इस पर आप क्लिक कर रही है, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 3 फिंगर से ऊपर की ओर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप एक ऐप्स का अपने स्क्रीन पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप एक ऐप्स को स्क्रीन पर यूज कर रहे हैं, तो एक ऐप्स को अपने स्क्रीन पे यूज कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई मैसेज आता है आपको, जैसे फेसबुक ट्विटर सब कुछ भी आपको मैसेज आ रहा था, आप आधे स्क्रीन में ऊपर की ओर, मतलब यहाँ से ऊपर आप जो भी ऐप्स ओपन किया उसे चला सकते हैं, यहाँ से नीचे जो भी आप ऐप्स ओपन किया उसे चला सकते हैं। इसके लिए तीन सेटिंग इसे इनेबल करने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला कि आप ऊपर की ओर 3 फिंगर से स्लाइड कीजिए, दूसरा कि जो यहाँ पे 3 बटन होता है उसे थोड़ी देर के लिए प्रेस किए रहिए, और चौथा कि यहाँ पे देखिए, चौथा कि आप यहाँ पे आइए और जहाँ पे रिसेंट टैब हटाए जाते हैं इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो 3 बटन दिख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए, और इसके बाद से स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए, यानी कि जो भी मेरा स्क्रीन है, चलिए अब इनेबल हो गया मेरा स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ से हम दूसरे ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऐप से यहाँ मेरा सेटिंग चल रहा है, यहाँ पे हम और जैसे कोई भी ऐप्स हम चला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही हमें हेल्प करता है, ताकि हम मतलब उस ऐप्स को पूरे स्क्रीन में ओपन ना किए हुए इस ऐप्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को हम चला सकते हैं। तो दोस्तों यही जो मेरा सीक्रेट सेटिंग था वो आपको बताने वाले थे इस सेटिंग में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों एंड करने से पहले एक बात और, यहाँ पे एक मैंने ऑप्शन भूल ही गया था, जो अदर वायरलेस कनेक्शन है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करके, और यहाँ पे क्लोज पे क्लोज कर सकते हैं इसे आप, क्लोज हो गया मेरा सेटिंग ही क्लोज हो गया। चलिए इसे हम सेटिंग खोल लेते हैं फिर से, कोई बात नहीं। तो जो मेरा अदर वायरलेस कनेक्शन पे एक बार क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्सनल हॉटस्पॉट, और यहाँ पे देख रहे हैं ब्लूटूथ सेटिंग। तो आप अपने मोबाइल के जो भी पर्सनल हॉटस्पॉट है उसे शेयर करते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स को किसी को भी शेयर करते हैं, तो उसके सेटिंग जान लीजिए, तो उसके जो इंपॉर्टेंट सेटिंग हो जान लीजिए। यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट, मान लीजिए आप यहाँ से पर्सनल हॉटस्पॉट अपना ऑन कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा रियलमी 5i डिवाइस का नाम है और यहाँ पे पासवर्ड है, ठीक है। अब चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो रियलमी 5i जो मेरा है वो है, और मेरा यहाँ पे पासवर्ड है, ठीक है। अब देखिए, चलिए इसे एक बार बैक कर देते हैं, हम यहाँ से एक बार और बैक कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि दोस्तों को अगर आप परेशान करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका दोस्त बोला आपको हॉटस्पॉट देने के लिए, और आप बोल रहे हैं नहीं मेरे पास डाटा नहीं है, हम हॉटस्पॉट नहीं देंगे, तो इसके लिए आप सेटिंग कीजिए, क्या कीजिए कि यहाँ पे विजिबल टू अदर डिवाइस इसे ऑफ कर दीजिए। जैसे ही आप ऑफ कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए यहाँ पे बोलिए कि मेरा तो पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन है, और तुम जानो मेरा तुम्हारे डिवाइस में, उसके डिवाइस में इस सेटिंग का मतलब है उसके डिवाइस में दिखाई नहीं देगा, ठीक है, कि मेरा हॉटस्पॉट ऑन है, तो क्या करेगा वो बार बार रिफ्रेश करेगा, उसको दिखाई ही नहीं देगा कि मेरे में, मतलब उसमें डिस्प्ले ही नहीं होगा उसके मोबाइल में कि जो उसका वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन है। आप बोलिए कि मेरा हॉटस्पॉट ऑन है, उसको बोलेगा कि मेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, शो ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप इस सेटिंग से बहुत ही फायदे पा सकते हैं, ठीक है, तो इसे इनेबल कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं। अब चलिए कनेक्शन मैनेजमेंट में चलते हैं। इसमें आप कोई भी डिवाइस को ब्लैकलिस्ट में डाल सकते हैं, मैक्सिमम कनेक्टेड डिवाइस, मान लीजिए कि कोई आपका फ्रेंड्स, अगर आपका स्क्रीन लॉक है तभी ऊपर से डबल टैप करके और आपका हॉटस्पॉट ओपन कर देता है और डाटा ओपन कर देता है, और आपको उसका पासवर्ड मालूम है, तो क्या कीजिए यहाँ से मैक्सिमम कनेक्टेड डिवाइस ऑन कर दीजिए, ठीक है। और डाटा रिस्ट्रिक्शन आपको भी थोड़ा सा कम MB में रखिए, 10 MB, 20 MB या फिर 30 MB, जैसे भी चाहे आप वैसे में लगा सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड भी ऑप्शन होगा, 10 GB, 5 GB, 1 GB, 500 MB, ऐसे आप लगा देंगे तो इससे ये फायदा होंगे कि आपको दोस्त जब यूज़ करेगा तो यूज़ करते करते जब आपका डाटा समाप्त हो जाएगा तो क्या करेगा, मोबाइल ऑफ कर देगा अपना, रख लेगा चुपचाप। अब यहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बोल रहा है कि आपको अंकल जी मोबाइल दीजिए, वो क्या कर रहा है कि बार बार कुछ कुछ डाउनलोड करने लग रहा है, डाउनलोड करते करते वो क्या कर रहा है कि आपका पूरे डाटा को ख़त्म करने लग रहा है। तो आप क्या कीजिए, डाटा रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, वो कितना भी डाटा यूज़ करेगा उस पर रिस्ट्रिक्शन ही के हिसाब से चलेगा, यानी 50 KB/s के हिसाब से चलेगा। तो कितना एमबी यूज़ करेगा, मुश्किल से 2 घंटे चलाएगा, अंत में थक जाएगा, बोलेगा कि नहीं डाटा तो चल ही नहीं रहा फ्रेश, तो क्या करेगा, मोबाइल को ऑफ कर देगा, बंद करके रख देगा। तो दोस्तों आप ऐसे अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो, अगर दोस्तों इस वीडियो का आपको पसंद आए तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। दोस्तों मैं रोज़ ऐसे ही ढेर सारा टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में।